हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और एक बार मैं फिर से लाया हूं आपके लिए UPTET, CTET, NVS, KVS, UPPCS, बैंक्स, रेलवेज आदि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला सामान्य अध्ययन। ये हिंदी में होगा। ये हमारी 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो कि आज बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, इसका मैं लाया हूँ पार्ट टू। तो चलते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? ऑप्शंस में दिया हुआ है, वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या राजगीर में। तो इसका सही जवाब है श्रावस्ती में। सही जवाब क्या है? श्रावस्ती में। ये कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध कौशाम्बी के किस राज्यकाल में आए थे, यानी किस राजा के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? तो ऑप्शन दिया है शतानीक, उदयन, निचक्षु और बोधि। सही जवाब हो जाएगा उदयन। सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयन। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? सारनाथ में अपना पहला प्रवचन ये किसने दिया था? तो ये सभी को पता है, सारनाथ में अपना पहला प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था, 5 लोगों को दिया था और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता, ऑप्शन दिया हुआ है महाकश्यप द्वारा, वसुमित्र द्वारा, नागार्जुन द्वारा और अजातशत्रु द्वारा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा महाकश्यप। महाकश्यप मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कश्यप नहीं है, महाकश्यप होना चाहिए। ये इन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर यानी लाइट ऑफ एशिया, तो ये गौतम बुद्ध को माना जाता है लाइट ऑफ एशिया। ये सभी को पता है, इसीलिए इस पर ऑप्शंस में नहीं पढ़े। आगे बढ़ते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो ये जान लीजिएगा, ऑप्शन दिया है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और गीता और वेदांत। इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे बढ़ते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है? तो देखिए, सारनाथ में जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, बौद्ध गया, यहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, और कुशीनगर में बौद्ध जो महात्मा बुद्ध जी थे उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और सांची, ये इसका संबंध उनकी जीवन की किसी घटना से नहीं है, तो इसीलिए यही सही जवाब हो जाएगा, सांची सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? भूटानियों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा या जापानियों के द्वारा? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जापानियों के द्वारा। ये जापानियों ने बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो है बोधगया में निर्मित की थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में, ये राजगीर है। ये कहाँ हो जाएगा? राजगीर। वैशाली, नालंदा और पटना इन जगहों पर नहीं है। इसका सही जवाब है राजगृह अथवा राजगीर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो दिग्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और विभाषा शास्त्र, ये ऑप्शन में दिए हुए हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा विनय पिटक। कौन सा हो जाएगा? ये सही जवाब इसका हो जाएगा विनय पिटक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विनय पिटक में ही संघ जीवन के नियम यानी भिक्षु और भिक्षुणियों को किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए उसके बारे में नियम दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये सभी को पता है, इसलिए बिना समय गंवाए हुए ये त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीन प्रकार के त्रिपिटक हैं। और ये क्या हैं? आगे फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है गांधी जी के 3 बंदर दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश दिया है, महावीर के 3 नगीने दिए, ये सब गलत है, और सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी कहाँ? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह या कुशीनगर में? तो देखिए, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं, और वैशाली में इसका सही जवाब हो जाएगा। वैशाली में जो है
ये सही जवाब क्या हो जाएगा? वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, और पहली स्त्री जिसने भिक्षुणी के रूप में प्रवेश लिया था वो थी प्रजापिता गौतमी। आगे बढ़ते हैं, वो इनकी विमाता भी थी और उन्होंने ही सबसे पहले जो है स्त्रियों के रूप में प्रवेश लिया था। आगे बढ़ते हैं, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? अष्टांग मार्ग ये दीपवंश की विषय वस्तु का अंग है, या फिर दिव्यावतान की, या फिर महापरिनिर्वाण की, या फिर धर्मचक्र प्रवर्तन। तो सही जवाब इसका हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। ये धर्मचक्र प्रवर्तन में ही बताया गया है, पहला ही जो उनका उपदेश था उसी में बताया गया है कि अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना चाहिए मनुष्य को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली तथा आनंद। इसका सही जवाब हो जाएगा देवदत्त, जो कि उनका चचेरा भाई था, और हंस वाली जो कहानी है वो भी इसी देवदत्त से ही संबंधित है, और वही उनके जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, ब्रह्मचर्य, धार्मिक कर्मकांड, अथवा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसका सही जवाब होना चाहिए आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, इससे संबंधित है बुद्ध के उपदेश। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कश्मीर में जो है कुंडलवन में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, ये बात हम कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वसुमित्र। ये सबकामी जो है ये दूसरा अध्यक्ष है, और दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष है, और ये कालाशोक के समय पर था, नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे था? तो देखिए, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोध गया। और एक बात और जान लीजिएगा, रिजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? जन्म का, प्रथम उपदेश का, त्याग का, या मृत्यु का? तो सही जवाब इसका हो जाएगा त्याग का। गृह त्याग जब उन्होंने किया था तो उसको प्रदर्शित किया जाता है घोड़े से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? महाबोधि में क्या हुआ था? तो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्त, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र जो है ये याद रखिएगा, मृग सहित चक्र द्वारा ये प्रथम उपदेश को दिखाया गया है। ये महाविनिष्क्रमण जो है ये घोड़ा, और संबोधि ये ज्ञान प्राप्त की अवस्था है, और निर्वाण ये मृत्यु की अवस्था। तो ये प्रथम उपदेश वाला ही सही जवाब हो जाएगा। पहला उपदेश जो है वो जब धर्मचक्र प्रवर्तन किया था तभी मृग सहित चक्र दिखाया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो देखिए, पहली वाली अजात शत्रु, सॉरी इसमें टिक नहीं लगाना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। पहली वाली अजात शत्रु है, दूसरी वाली कालाशोक, और यही पूछी गई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कालाशोक। तीसरी वाली अशोक है, और चौथी वाली कनिष्क है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? महायान शाखा, और महायान और हीनयान इनमें बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था कनिष्क के समय पर। आगे बात करते हैं, किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये भी कनिष्क ही हो जाएगा, कुषाण वंश का शासक कनिष्क, उसके समय पर वसुमित्र अध्यक्ष हुआ करता हुआ था उस संगीति का, और वह चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। सही जवाब क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। देखिए, बिंबिसार ये अजात शत्रु का पिता है, और उदयन अजात शत्रु का बेटा है, और उसके बहुत बाद में मौर्य काल में अशोक आता है। तो मौर्य काल में अशोक के समय दूसरी तीसरी वाली हुई थी, और दूसरी वाली कालाशोक के समय हुई थी, और पहली वाली ये अजात शत्रु के समय पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध सभा राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था अगर पूछा जाए, तो ये जवाब हो जाएगा लुम्बिनी, नेपाल। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 563 ईस्वी पूर्व। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी?
तो महामाया का वंश अगर पूछा जा रहा है तो ये देखिए, उनका गणराज्य जो था, उनके महामाया के पिता जो है लिच्छवी गणराज्य के राजा थे, लेकिन ये सही जवाब नहीं हो जाएगा। इनका वंश जब पूछा जाए तो कोली हो जाएगा। वंश कौन सा हो जाएगा? कोली। और यदि पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का वंश क्या था, तो पिता इनके जो है वो शाक्य थे। पिता कौन थे? शाक्य। और इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान तो अभी बात हो चुकी है, नेपाल लुम्बिनी। ये सही जवाब क्या आ जाएगा? नेपाल लुम्बिनी। आगे बढ़ते हैं। अशोक का कौन सा स्तंभ लेख यह प्रदर्शित करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था? ऑप्शन में दिया है बसाड़ स्तंभ अभिलेख, रुम्मिनी देई, निगाली सागर और रामपुरवा। इसका सही जवाब हो जाएगा रुम्मिनी देई। ये रुम्मिनी देई में शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अभी मैं एक बता ही चुका हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। अशोक के रुम्मिन देई अभिलेख से ये सूचना मिलती है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। क्या हो जाएगा? कुशीनगर। आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुशीनगर। ये कुशीनगर कहाँ पड़ता है? मल्लों की राजधानी है, राजधानी थी, वहाँ पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणराज्य में हुआ था। मल्लों का गणराज्य कुशीनगर, जो कि गोरखपुर के पास पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आलार कालाम ये कौन थे? आलार कालाम बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु? तो यही सही जवाब हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु थे। आलार कालाम बुद्ध के एक गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन ये सारनाथ में दिया था। बनारस से 14 किलोमीटर दूर सारनाथ पड़ता है, वहां पर ये धर्म चक्र प्रवर्तन दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा? तो ये सही जवाब हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। देखिए, महायान वाले जो है वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और हीनयान वाले नहीं करते। हीनयान वाले थोड़े ज्यादा कट्टर माने जाते हैं और महायान वाले वो साम्यवादी हैं, सॉरी मध्यम मार्गी हैं। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को कनिष्क के समय पर, ये अशोक और हर्ष और धर्मपाल लिखा है, ये गलत है। कनिष्क के समय पर, कुषाण वंश का राजा कनिष्क के समय पर एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की या बुद्ध की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको जान लीजिएगा। मूर्ति पूजा वैदिक धर्म में शुरुआत में नहीं थी, लेकिन ये बौद्ध धर्म में प्रारंभ हुई और उसके बाद में वैदिक धर्म या जो बोले कि बाद में हिंदू धर्म ने भी इसको अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। देश में निम्नलिखित में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? तो जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म एवं आजीविकों ने। और सही जवाब इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए, इस प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? अभय, ध्यान, भूमि स्पर्श अथवा धर्म चक्र? सही जवाब हो जाएगा धर्म चक्र। ये धर्म चक्र मुद्रा जो है, इसी मुद्रा में उन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध और जैन दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर यकीन करते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत दोनों के अनुसार सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध था? तो चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान? सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है?
देखिए अहिंसा ये तो दोनों मानते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता ये दोनों धर्मों में समान है। आत्मदमन, अब यही सही जवाब हो जाएगा, आत्मदमन। देखिए जो जैन धर्म है वो आत्मदमन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग को अपनाते हैं, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये दोनों धर्मों में है। फिर आगे बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय मौर्य काल में, कुषाण काल में, पाल काल या गुप्त काल में आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल में, कुमार गुप्त के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या है? विक्रमशिला, बनारस यानी वाराणसी, गिरनार अथवा उज्जैन? और सही जवाब हो जाएगा इसका विक्रमशिला, विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो है मध्यम मार्गी थे, माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय आ जाएगा। सौत्रांतिक, वैभाषिक और योगाचार ये अन्य अन्य सिद्धांत हैं, तो इनको भी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नव नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार नालंदा में ही बनाया गया है, और ये जो है पाली अनुसंधान संस्थान है, यहाँ पर बिहार में पाली अनुसंधान, पाली एक भाषा है जो कि बौद्ध के समय पर थी, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, किसने दिया था? नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल? तो ये खड़ी प्रतिमा जो है गुप्त काल की है, किसकी है? गुप्त काल की। आगे बढ़ते हैं, सारनाथ स्थित बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा इसका संबंध किससे है? तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा भी जो है ये भी गुप्त काल की है, किसी किससे संबंधित है? गुप्त काल से। आगे बढ़ते हैं, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो वज्रपाणि, मंजूश्री, पद्मपाणि या मैत्रेय? और सही जवाब इसका हो जाएगा पद्मपाणि, ये पद्मपाणि को अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 1 का एक प्रश्न जो आपके लिए था, जो मैंने पहले पार्ट 1 दिया था काफ़ी पहले, बीच में थोड़ा किन्हीं कारणवश मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सका, तो उसका एक प्रश्न था, निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालक्रम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 से 31 तक रहा है, खिलाफत ये 1900, ये जान लीजिए एक मिनट, सविनय अवज्ञा जो है 1930-31 हो जाएगा, और ये खिलाफत जो है ये 20 से 22 हो जाएगा, एक तो इस पे लिखते हुए नहीं बनता है। आगे होम रूल आंदोलन जो है ये 1916-17 के समय पर था, 17 में, और भारत छोड़ो जो है 1942, तो अब इसके हिसाब से देख लीजिए सबसे पुराना है होम रूल, सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? होम रूल। अब इसमें होम रूल दिया नहीं है, ऐसे शायद ये बाद से बढ़ते हुए क्रम में है, तो देखिए जरा क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत छोड़ो सबसे पुराना है, सबसे नया है, उससे पहले वाला सविनय अवज्ञा हो जाएगा 4-1, और उसके बाद में 2 आ जाएगा, और उसके बाद में 3 ये हो जाएगा, क्योंकि उल्टे हुए क्रम में है, उल्टे क्रम में है। आगे बढ़ते हैं, फिर पार्ट 2 यानी इस पार्ट का एक प्रश्न आपके लिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र अथवा नागार्जुन? प्लीज डू नॉट गूगल इट, आई आंसर दिस क्वेश्चन इन पार्ट 3। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।